इंडिया के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के नेवल वर्जन का एक प्रोटोटाइप पहला इंडियन मेड फाइटर जेट बन गया है, जिसने कि इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर के डेक के ऊपर लैंड किया है। नेवल एलसी तेजस का पहला प्रोटोटाइप इंडिया के इकलौते ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य के डेक पर सक्सेसफुली लैंड हो गया है, जो कि ओवरऑल एलसीए प्रोग्राम में एक बड़ा स्टेप है। नेवल तेजस ने अपनी टेल हुक के इस्तेमाल से अरेस्टर वायर को स्नैक कर लिया, जो कि एक ब्रेक का काम करती है फाइटर जेट को स्लो करने के लिए और रोकने के लिए। एयरक्राफ्ट कैरियर के डेक के ऊपर अरेस्टर लैंडिंग एक ऐसा फीट है जो कि सिर्फ कुछ ही फाइटर जेट्स कर पाए हैं, जिन्हें कि यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, यूके, फ्रांस और चाइना जैसी कंट्रीज ने डेवलप किया है। सोर्सेस का कहना है कि ये प्रोटोटाइप जल्द ही स्काई जंप टेक ऑफ भी करेगा। स्काई जंप एयरक्राफ्ट कैरियर के डेक का वो पोर्शन होता है जो कि ऊपर की तरफ एंगल किया गया होता है। एलसीए तेजस ने एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर लैंड किया है, लेकिन अभी भी उसने एयरक्राफ्ट कैरियर से टेक ऑफ करना बाकी है। नेवल सोर्सेज का कहना है कि नेवल तेजस प्रोटोटाइप प्रोडक्शन में नहीं जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेटर ही है। एक बड़ा डेक बेस्ड फाइटर जेट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड डेवलप कर रही है। पिछले साल सितंबर में एलसीए तेजस फाइटर जेट के नेवल वेरिएंट ने सक्सेसफुली 2 सेकंड्स में अरेस्टेड लैंडिंग की थी। इस एयरक्राफ्ट ने सिर्फ 87 मीटर्स में ही गोवा की शोर बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी के ऊपर लैंड कर लिया और अपने आप को रोक लिया। एलसीए तेजस को आईएनएस विक्रमादित्य के ऊपर लैंड करने पर भी ये इसी चीज़ को रेप्लिकेट करना था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप उसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग इस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।